दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की असंभव सी लग रही जीत को मोहम्मद शमी ने अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से पलट दिया। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया, रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत और न्यूजीलैंड की हार पर साउथ अफ्रीका के पूर्व महान खिलाड़ियों ने बड़ा ही हैरान करने वाला बयान दिया है। डेल स्टेन, एविड विलर, जैक कैलिस और हासिम अमला जैसे महान खिलाड़ियों ने बड़ा ही हैरान करने वाला बयान दिया है। इन दिग्गजों ने जो बातें कही है सच में उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला बड़ा ही रोमांचक और हाई वोल्टेज हुआ था, जहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने लाजवाब खेल दिखाते हुए पहले बल्लेबाजी कर 397 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया था। मुकाबले में विराट कोहली ने लाजवाब बल्लेबाजी की, 113 गेंदों में 117 रन की महान पारी खेली। उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के लगाए, महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा। उनके अलावा मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर ने, उन्होंने 70 गेंदों में 105 रन बनाए, 4 चौके और 8 छक्के लगा डाले। कैप्टन रोहित शर्मा ने केवल 29 गेंदों में 47 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के लगाए। गिल ने भी 66 गेंदों में 80 रन बना डाले थे। लेकिन दोस्तों, इस लक्ष्य का तगड़ा जवाब देते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन और डैरिल मिचेल ने गजब की बल्लेबाजी की। इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया से लगभग मुकाबला छीन लिया था। लेकिन इसके बाद आते हैं मोहम्मद शमी और चमत्कारी गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन लिया उन्होंने। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने मुकाबले में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल लगातार 4 विकेट लेकर अचानक से मुकाबले का रुख टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों, सेमीफाइनल में बड़ी ही बेहतरीन खेल दिखाते हुए टीम इंडिया ने सीधे फाइनल में जगह बनाया है और इतिहास रच दिया। भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है, तो उधर साउथ अफ्रीका के पूर्व महान खिलाड़ी एविड विलर्स ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, वाकई में इस बार के वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अद्भुत खेल दिखाया है। उन्होंने जिस तरीके का खेल दिखाया है वो वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में नहीं बल्कि फाइनल में होना डिजर्व करते हैं। विराट भाई, तुमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, जिस तरीके से शतक लगाया, जिस तरीके से महान पारी खेली है, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, इसके बाद डेल स्टेन ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, भले ही भारतीय टीम अपने घर पर खेल रही है लेकिन फिर भी उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला है। यदि आप कहीं भी खेल रहे हो, अगर आप बेहतर क्रिकेट नहीं खेलते हो तो आप कोई भी मैच नहीं जीत पाएंगे। रोहित और विराट ने शानदार क्रिकेट खेला है, दोनों ने अपनी टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया है। मोहम्मद शमी के गेंदबाजी की तारीफ करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला पलटा है वो सच में काबिले तारीफ है। न्यूजीलैंड टीम के लिए थोड़ा बुरा लगा, उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेला है, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। वही दोस्तों, साउथ अफ्रीका के पूर्व महान ऑलराउंडर जैक कैलिस ने कहा, भारतीय टीम अनस्टॉपेबल है, उन्हें रोक पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, चाहे वो फाइनल हो या फिर कोई और मुकाबला हो। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, टीम इंडिया का हर एक खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में है और यही सबसे बड़ा कारण है कि टीम इंडिया चैंपियन बनेगी। और दोस्तों, आखिर में हासिम अमला ने बड़ी बात कहते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होने वाला क्योंकि टीम इंडिया ही वो टीम है जो चैंपियन बनेगी। उनके पास एक दो नहीं बल्कि कई सारे चैंपियन खिलाड़ी हैं और जब एक टीम में इतने सारे चैंपियन खिलाड़ी हो तो जाहिर सी बात है वो टीम चैंपियन बनती ही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया सच में चैंपियन बन पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।